आज हम इस प्रकार का प्री वेडिंग फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। सो इसके लिए पिक्सलैब एप्लीकेशन ओपन करेंगे अपने फोन में एंड बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट को डिलीट कर देंगे। इसके बाद फोर्थ नंबर टूल पर क्लिक करेंगे एंड इमेजेस साइज में जाकर अपने बैकग्राउंड का साइज एडजस्ट करेंगे, जिसके लिए विड्थ हम रखेंगे 3600 एंड हाइट को रखेंगे 1200। देन ओके कर देंगे। बैकग्राउंड के कलर के लिए कलर्स पर क्लिक करेंगे एंड इसके लिए व्हाइट कलर को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे थर्ड नंबर टूल पर क्लिक करके इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे एंड अपनी गैलरी में से PNG को ऐड करेंगे। तो इस वाले PNG का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन इसके बाद इसको अपने बैकग्राउंड पर एडजस्ट करेंगे। देन एडजस्ट करने के बाद इसकी कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद दूसरे कॉर्नर पर भी इसको सेट कर लेंगे। देन लेयर्स पर जाकर मर्ज वाले टूल पर क्लिक करेंगे एंड दोनों लेयरों को मर्ज कर लेंगे एंड इस लेयर को हम लॉक कर देंगे लॉक बटन पर क्लिक करके। इसके बाद हम अपने बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे एंड शेप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस बॉक्स पर क्लिक करके इस गोल आकार की शेप को सिलेक्ट करेंगे। देन इस पर कोई भी कलर सिलेक्ट कर लेंगे ताकि ये बैकग्राउंड के साथ मैच ना हो। तो इसके बाद अपने डिजाइन के मुताबिक बैकग्राउंड पर एडजस्ट करेंगे। कॉपी करके इसकी 3 लेयर्स बना लेंगे एंड तीनों को हम अपने बैकग्राउंड पर एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद 1x1 लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे एंड टेक्सचर पर जाकर अपनी गैलरी में से इस पर फोटो को अपलोड करेंगे। डन। इसके बाद स्टॉक पर जाएंगे एंड स्टॉक को अनेबल करके लगभग 4 or 5 के अराउंड स्टॉक लगा देंगे एंड टूल्स को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, शेडो पर क्लिक करके इसको भी हम अनेबल कर देंगे। इसी प्रकार से दोनों सर्कलों को 1x1 सिलेक्ट करेंगे एंड इस पर हम फोटो को अपलोड करेंगे। इसके बाद स्टॉक को अनेबल कर देंगे एंड शेडो को भी अनेबल कर देंगे। इसके बाद जो हमारा ऊपर वाला सर्कल है उसको हम बैक बटन पर क्लिक करके नीचे ले जाएंगे एंड इसके बाद लेयर्स पर जाकर उसको 1 पॉइंट ऊपर कर देंगे। देन इसके बाद बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे एंड फिर से हम शेप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे एंड इसके लिए गोल सर्कल को सिलेक्ट करेंगे। देन इसके लिए इसकी ऑपोसिटी को बिल्कुल 0% कर देंगे एंड थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो स्टॉक की ऑप्शन आएगी एंड स्टॉक को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे एंड ओके कर देंगे। तो सर्कल हमारा रेडी हो चुका है। इसको हम कुछ इस प्रकार से लगाकर डिजाइन को क्रिएट करेंगे एंड इसकी 3 कॉपी करेंगे एंड तीनों पर हम लगा देंगे। उसके बाद लेयर्स पर जाकर लेयर्स को ऊपर नीचे करके हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। एंड तीनों सर्कलों को एडजस्ट करने के बाद लेयर्स पर जाएंगे एंड इस नीचे वाले टूल पर क्लिक करेंगे, सभी लेयर्स को टिक कर देंगे एंड टिक करने के बाद मर्ज वाले बटन पर क्लिक करके मर्ज कर लेंगे। तो देन इसके बाद बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे एंड शेप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके बाय डिफॉल्ट बॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे। देन इस वाले बॉक्स को हम इसका साइज एडजस्ट करेंगे एंड इसको हम एक साइड पर लगा देंगे। इसके लिए आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो। सही जगह पर एडजस्ट करने के बाद टूल्स को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड टेक्सचर पर क्लिक करके अपनी गैलरी में से इस पर एक फोटो को अपलोड करेंगे। फोटो अपलोड करने के बाद टूल्स को नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड स्टॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके स्टॉक को अनेबल कर देंगे। स्टॉक विड्थ को आप थोड़ी सी इंक्रीज कर सकते हो एंड डन कर देंगे। उसके बाद टूल्स को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड शैडो वाले बटन पर क्लिक करके शैडो को क्रिएट करेंगे। इसके बाद टूल को थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे एंड कॉपी बटन पर क्लिक करके फोटो की कॉपी कर लेंगे एंड इसका साइज थोड़ा सा कम करके इसको साइड बाय लगा देंगे एंड इसकी तीसरी कॉपी करके उसको भी हम अपने बैकग्राउंड पर एडजस्ट कर लेंगे। देन इसके बाद सेकंड वाली फोटो को सिलेक्ट करेंगे एंड टेक्सचर वाले बटन पर क्लिक करके अपनी गैलरी में से फोटो को चेंज कर लेंगे। इसी प्रकार से थर्ड कॉपी को भी हम सिलेक्ट करेंगे एंड टेक्सचर पर क्लिक करके अपनी गैलरी में से दूसरी फोटो को सिलेक्ट करेंगे। इस
इसके बाद हम अपने बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी गैलरी में से PNG को ऐड करेंगे। इन सभी फाइल स्टॉक और PNG का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से इन सभी PNG को डाउनलोड कर सकते हो। देन इसी प्रकार से सभी PNG को एक एक करके अपनी गैलरी में से ऐड करेंगे एंड ऐड करने के बाद अपने बैकग्राउंड पर एडजस्ट करेंगे। PNG को ऐड करने के बाद हमारा एल्बम का पेजेस पूरी तरह से क्रिएट हो चुका है।